कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे और फिल्म के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? हम इस समय उत्तराखंड देहरादून सहजधारा में आश्रम है, नवचंडी आश्रम सहजधारा, वहाँ से आए हैं और अपने माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप हमारे शेष हैं वहाँ आए थे। फिर पूर्णागिरी हमें जाना था, फिल्म का ये देखा तो मन में ये भाव जागृत हुआ कि कश्मीर में क्या हुआ है, चलकर ये संत समाज भी देखे और समझे उस हकीकत। तो फिल्म देख के क्या महसूस हुआ, क्या लगा, क्या पीड़ा थी, क्या विश्वास था, कितना सही कितना? देखिए, पीड़ा का वर्णन तो जिभ्या से नहीं किया जा सकता, परंतु सबसे पहले मैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अग्नोत्री जी, उनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद दूंगा कि उन्होंने इतना साहस तो किया और उन्हें साहस दिलाने की प्रेरणा देने के लिए वर्तमान की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा और उत्तर प्रदेश में जो ये फिल्म चल रही है माननीय योगी जी के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हिंदुत्व को समझाने की, जगाने की और उन्हें बताने का प्रयास किया कि जागो, अभी आपकी मंजिल आगे भी है। ये जो हुआ है इसको जो लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कितना अत्याचार, कितना अनाचार आक्रांताओं ने किया है। इससे पहले ही बहुत आक्रांता है भारत पर, लेकिन ऐसे आक्रमण नहीं हुए जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। इसमें कुछ परसेंट तो हकीकत है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि दिल्ली में हजारों टेंट स्थापित हुए थे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग क्यों आए हैं? तो मैं तो पूरे देशवासियों से यही कहूँगा, समस्त हिंदू समाज से यही कहूँगा कि वो एक बार समय निकाल कर ये फिल्म अवश्य देखें, इस दर्द को पहचाने और हमेशा याद रखें कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए सदैव अपने आप में एकता बनाकर रखें। हम भी जानना चाहेंगे इस पिक्चर को, क्योंकि संत समाज जो है वो पिक्चरों से दूर रहता है, आप आखिर क्यों देखने आए इसमें? ऐसा इसमें हिंदुत्व की पीड़ा थी इसलिए आए देखने। क्या नाम है आपका, कहाँ? महामंडलेश्वर महिषानंद गिरी, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, हरिद्वार। कितने लोग हैं आपकी टोली में? हमारे लोग 100 लोग थे, कुछ रह गए, टिकट नहीं हो पाए, लेकिन 60-70 लोग तो हैं। 60-70 लोग एक साथ देखे। तो क्या हरिद्वार से आप आए हैं जबकि देहरादून से आए हैं? देहरादून में भी पिक्चर लगी है? नहीं नहीं, पिक्चर देखने नहीं आए थे, यहाँ तो बरेली हमारे शिष्य सांसद धर्मेंद्र कश्यप, उनसे मिलने आए थे तो पता कल ही चला कि फिल्म यहाँ लगी हुई है, तो फिर टिकट कराए, बड़ी मुश्किल से टिकट हुए और वो भी टिकट भी ऐसी शायद कौन सी वो है स्टेज, पता नहीं किसमें हुए थे, उसमें बैठ के हम लोगों ने इसको देखा। लेकिन दर्द बहुत है, इसके लिए हम अपनी जिभ्या से बयान नहीं करेंगे, बाकी समस्त भारत के लोगों से यही कहेंगे कि अपने आप को संभालें और अभी भी मौका है।